नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड में अपन पढ़ रहे थे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पिछली क्लासों में अपन ने क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स, ईएलसी के बारे में पढ़ा और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा। अब अपन ले रहे हैं इस क्लास में एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग: कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को पृथक्करण की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसकी सहायता से मिश्रण के अवयवों की संख्या के बारे में जानकारी पता चलती है। यानी किसी भी मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट है, उसकी संख्या कितनी है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, इन सब के बारे में अपन क्रोमेटोग्राफी मेथड के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवयवों की पहचान की जा सकती है, यानी कंपोनेंट कौन सा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों की आपेक्षिक मात्रा भी ज्ञात की जा सकती है, यानी किसी मिश्रण के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो कितनी मात्रा में उपस्थित है उसकी अपन तुलनात्मक मात्रा अपन ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थों का मात्रात्मक पृथक्करण किया जा सकता है, यानी जो भी पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है उसको अपन पृथक कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग में मेन क्या है? मिश्रण के अवयवों की संख्या, उनकी पहचान, उनकी अपेक्षित मात्रा और मात्रात्मक पृथक्करण, यह सारे क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग अपन अलग-अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं और निम्न क्षेत्रों में क्रोमेटोग्राफी अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई है। पहली देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी। टीएलसी की सहायता से नए बने उत्पाद पर अभिक्रिया की गति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टीएलसी में नए बिंदु का आना उत्पाद बनने को प्रदर्शित करता है। अपन जानते हैं कि टीएलसी में जब अपन कोई एक पॉइंट मिश्रण का लगाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट उपस्थित है वो यदि आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया की गति की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। और नए बिंदु का आना, यानी अपने मान लो दो कंपोनेंट लिए और टीएलसी के दौरान अपने को 3 पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये तीसरा पॉइंट दोनों कंपोनेंट की आपस में रिएक्शन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो टीएलसी में नए बिंदु का आना उत्पाद बनने को प्रदर्शित करता है। अगला अनुप्रयोग है जल विश्लेषण में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की सहायता से किसी कार्बनिक अम्ल या जल में उपस्थित आयनों की जानकारी प्राप्त होती है। अपन जानते हैं कि वाटर के अंदर Na+, F- साइनाइड, नाइट्रेट, कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, क्लोराइड आयन, ये जितने भी आयन्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इनकी सांद्रता अति न्यून ppm में होने पर भी अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से निम्न जानकारियां प्राप्त होती हैं: जल में उपस्थित प्रदूषक और अन्य अवयवों की मात्रा की जानकारी, पदार्थ में शर्करा व लवण की मात्रा सुनिश्चित करने में और प्रोटीन के पृथक्करण में। तो जल विश्लेषण में मेन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके अपन वाटर की हार्डनेस ज्ञात कर सकते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और न्यून से न्यून मात्रा यानी ppm में भी उपस्थित होने पर भी आयन्स की मात्रा भी अपन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जल विश्लेषण के बाद में मेन देखिए प्रोटीन के पृथक्करण में। अपन जानते हैं कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है और प्रोटीन में जो भी एमिनो एसिड्स उपस्थित होते हैं तो निनहाइड्रीन का उपयोग करके अपन क्रोमेटोग्राफ का पृथक्करण कर सकते हैं। निनहाइड्रीन का स्प्रे किया जाता है और बैंगनी रंग के क्रोमेटोग्राम अपने को प्राप्त होते हैं।
उद्योग में खाद्य पदार्थों में विटामिन, प्रोटीन, प्रतिरक्षी और अमीनो एसिड को पृथक्करण में और उनकी मात्रा निकालने में क्रोमेटोग्राफी उपयोगी है। संदूषक को खाद्य पदार्थों से अलग करने और उनकी पहचान करने में भी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है। मूंगफली पर लगने वाली फंगस में एफेलोटॉक्सिन रसायन होता है, जिनकी जानकारी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ में जो भी विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड है, उनकी मात्रा ज्ञात करने और उन्हें पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। औषधि विज्ञान में क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अपन जो स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रतिबिंब रूप है उनको भी अपन पृथक कर सकते हैं। किरियल कार्बन युक्त स्थिर प्रावस्था प्रयुक्त की जाती है। किरियल यौगिक प्रकाशिक सक्रियता में भिन्न होते हैं और यह जैविक सक्रियता से भी प्रभावित होते हैं। तो औषधि विज्ञान में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर यानी इनाइंशियोमर होते हैं, किरिल कार्बन युक्त जो भी कार्बन उपस्थित है उसमें अपन स्थिर प्रावस्था के रूप में उसका उपयोग करके किसी भी यौगिक की प्रकाशिक सक्रियता ज्ञात कर सकते हैं। और यदि वह प्रकाशिक सक्रिय है तो वो जैविक सक्रिय भी हो सकता है और उसकी जैविक सक्रियता भी अपन उसकी ज्ञात कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में रिसर्च में भी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अज्ञात कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक की पहचान के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी या TLC महत्वपूर्ण विधि है। अपराधियों के DNA या RNA की जानकारी उनके रक्त नमूनों या बालों में उपस्थित क्षार क्रम के द्वारा की जा सकती है। इसे DNA फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। तो देखो, DNA फिंगरप्रिंट के अंदर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है और DNA फिंगरप्रिंट में DNA के अंदर जो क्षार क्रम लगा हुआ होता है, बेस का जो ऑर्डर होता है, वो उसके ब्लड सैंपल और बालों में उपस्थित जो क्षार क्रम है उसकी सहायता से TLC या पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके उसमें उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक की पहचान की जाती है। तो मेन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग DNA फिंगरप्रिंट या किसी भी अपराधी से DNA से संबंधित उसकी जानकारी प्राप्त करने में क्रोमेटोग्राफी का विशेष महत्व है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है और आज बहुत ही बड़े स्केल पर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, TLC और पेपर क्रोमेटोग्राफी का विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अनुप्रयोग किया जाता है। मेन इसका औषधि विज्ञान में, औषधि रसायन में, यानी जो भी दवाइयाँ बनती है उसमें माइक्रो या मिलीग्राम में जो कंपोनेंट उपस्थित होता है उसका निर्धारण, डिटर्मिनेशन पेपर या TLC के द्वारा करके और लार्ज स्केल पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से रिसर्च में आने वाले जितने भी अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र हैं या क्रिमिनल्स को पकड़ने में जो DNA और RNA या किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट की जो जांच होती है, DNA की जांच, फिंगरप्रिंट DNA, वो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही पॉसिबल हो सका है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा PPM या बहुत कम मात्रा में उपस्थित यौगिक की पहचान की जा सकती है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपने डिटेल में सब कुछ पढ़ा, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके टाइप्स कितने प्रकार की होती है। क्रोमेटोग्राफी में मेन जो अपने सिलेबस में है, TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसे डिटेल में पढ़ा। क्वेश्चन है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी या TLC के बारे में और TLC में डायग्राम के बारे में विशेष प्रश्न पूछा जाता है। क्रोमेटोग्राफी की मेन एप्लीकेशन जो अनुप्रयोग है, जो उसके यूजेज है, उसका उपयोग इसका इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है।